फैजान यार, फैजान कितनी देर लगेगी आपको उठने में? सैरी में इतना टाइम नहीं होता। अरे यार आ रहा हूँ भाई, मैंने मना कब किया है यार। रात से जो है ना सीने में सख्त जलन हो रही है। वो इस्पगोल पड़ी थी वो मैंने खाई, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो इस्पगोल गलत वाली खाई है ना? है? सही वाले खाते एसएल वालों के खाते सबसे बेस्ट इस्पगोल है, सच्ची होनी सकती खा ले। याद ही नहीं रहा मुझे तो यार, ये जलन ने जो है ना तबीयत खराब कर दी। अच्छा ये जो हमारे पड़ोस में नए लोग आए हैं, हाँ। इनकी नई शादी हुई है? अरे नहीं नहीं क्या हो गया, बहुत टाइम हो गया इनकी शादी हुई, उनके बच्चे तो कॉलेज जाते हैं। साइमन नाम है उनकी बीवी का। अच्छा हाँ। मैं यही पूछना चाह रही थी क्योंकि हमारी शादी को इतना टाइम नहीं हुआ है ना अब तक, और हमारी बेटी तो बहुत ही छोटी है। लेकिन आप तो इतने भाग भाग के काम नहीं करते जैसे उनका शौहर उनके लिए करता। अरे दिखावा है, सबका सब दिखावा है। जब इंसान ज्यादा मोहब्बत दिखाता है ना, यकीनन कुछ ना कुछ छुपा रहा होता है, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मुझे इतना ज्यादा मोहब्बत दिखाते हैं तो आप भी कुछ ना कुछ चाह। आपको उसकी बेगम का नाम कैसे पता चला? इस्पगोल पता लगा लूंगी मैं। इस्पगोल पी रहा हूं। वैसे सहरी में क्या खाना? यार बड़े दिन हो गए पराठा खाए हुए, मैं तो कहता हूँ वो बेदा पराठा खाते हैं। परफेक्ट चॉइस, थैंक यू। ये लीजिए, बनाइए ना। सही से हम जी जी गुड जॉब। वैसे पता है नाइस चॉइस, ये बड़ा ही हेल्दी पराठा है क्योंकि इसके अंदर इतनी अच्छी इंग्रेडिएंट्स डलती है ना जो कि बहुत हेल्दी होती है। जाहिर सी बात है मैं बना रहा हूँ तो हेल्दी तो हो गई। जी नहीं, क्योंकि ये पराठा इंग्रेडिएंट्स की वजह से हेल्दी है, तो उसके बारे में बताएं। हाँ बताएं, प्लीज बताएं। इसमें डलती है चिकन, ओके, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटा हुआ जीरा, नमक और अंडा यानी बॉयल अंडा। अच्छा तो इसको बेदा पराठा क्यों बोलते हैं? इसीलिए क्योंकि इसमें अंडा डलता है। ओके, मुझे पर्सनली प्याज पसंद नहीं है, इसलिए मैं प्याज नहीं, मैं सिंपल टमाटर के साथ इसका पूरा मसाला तैयार कर दूंगी। जब तक हमारे ऑयल में टमाटर भुन रहे हैं हम इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट डालेंगे। फैजान आपका पराठा कहाँ तक पहुँचा बेलना? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये पराठा बेल लूँ। करें करें प्रैक्टिस करें जब तक ये भी भुन जाएगा। अच्छा जी, हम इसमें डालेंगे चिकन। गार्लिक पाउडर सारा गिरा दिया। वेरी नाइस फैजान। गार्लिक पाउडर अब डालेंगे हम इसमें। गार्लिक पाउडर अब इसमें डालेंगे हम। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, साथ में जाएगा इसके अंदर ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, या अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं बिल्कुल, मुझे जितनी पसंद है मैं उतनी ही डालूंगी। अब इसके अंदर हम डालेंगे जीरा, वो भी कुटावा खुला, और कुटावा जीरा बहुत मजेदार लगता है खाने में। ये भी हम डालेंगे 1 टीस्पून। अब इसके अंदर सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं, हस्बे जायका। ये चिकन का कीमा है तो इतना टाइम नहीं लेगा। इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें, ये डाली हमने हरी मिर्चें। अब इसमें डालेंगे हम शिमला मिर्च, थोड़ा सा और भुन जाए फिर इसके अंदर हम अंडा ऐड करेंगे। अंडा सबसे आखिर में डालते हैं क्योंकि वो बॉइल्ड है ना और वो बिखरेगा नहीं उसमें। हमने चूल्हा कर दिया है बंद क्योंकि हमारा कीमा तैयार हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे हम अंडा, बॉइल्ड अंडा। वाह। अच्छा बताना आपको मजे का बताए, सिंधी में अंडे को बेदो बोलते हैं या बेदा। ओके, तो प्रोबेबली दैट्स व्हाई इस रेसिपी का नाम बेदा पराठा है। Very nice. ये मेरा लॉजिक है, आई डोंट नो असली में क्या सीन है। ठीक है, सो लेट्स जस्ट कीप इट दैट वे। Very nice. बड़ा मजे का लग रहा है। ज्यादा वो मत कीजिएगा ना, इसकी जर्दी जो है ना वो टूट के पूरी बिखर जाएगी। ओके, वाओ, सो आर यू रेडी टू मेक पराठा फैजान? हाँ, लेकिन अभी इसकी गार्निशिंग बाकी, ये पहले कर लिया, उसके बाद ये कम्प्लीट होगा। खूबसूरत, इसको आप ऐसे ही खा लेना, क्या जरूरत है पराठे में डालने की यार। हाँ। तो ये रहा हमारा बैटर पूरा तैयार कर दिया हमने, मसाला भून के अंडे के साथ सब चीजों के साथ। अब पराठा बनेगा और फिर इसकी फिलिंग होगी। जी एग्जैक्टली, वेरी नाइस, लेट्स डू इट। अरे एक बात याद है यार, पराठे तो तुम जरूर खा लेना लेकिन तुम्हें पंजीरी खाना बहुत जरूरी, क्योंकि इस वक्त पंजीरी तुम्हारे लिए बहुत अहम है। मेक सेंस, लेकिन मैंने खाई नहीं। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, एसएल नेचुरल्स की पंजीरी हमारे पास मौजूद है। जैसे तुमने मुझे इस्पगोल याद दिलाई थी, ऐसी मेरा काम था तुम्हें पंजीरी याद दिलाना। ये अब तक की बेस्ट पंजीरी अवेलेबल है इस वक्त मार्केट में, जरूर खा लेना। How sweet. अच्छा, ये रही प्लेट। थैंक यू पंजीरी। हाँ, nice. Thanks, हाँ आप खाए, मैं भी खाऊंगा उसके बाद।
पंजीरी जा कहाँ रही आजकल? अरे तुम्हारे सामने खोला अभी यार। पहली बार आता है। Very nice. Oh wow. यार इजी ले लिया सबने मुझको यार। इसको देखो बस। यहाँ से आराम से आराम से। Come on, Fazan. Very nice. थोड़ा ऑयल डालने पहले, वरना चिपक जाएगा। यार ये ला। थोड़ा सा साइड पे। Fazan, बस बस बस। अब आप देखें हम कैसे करेंगे। देखें आप। बैठे रहे, please बैठे रहे। कर बात। अरे वाह। Come on, Fazan. दिक्कत है आपको? अरे फ्लोर साहब भी आए हुए। म्यूजिक का टच दूँ साथ में। हमने थोड़ी सी तेल में कंजूसी की है, लेकिन जरूरी है क्योंकि वो नॉनस्टिक है। जी। उसमें कम ऑयल डलता है, यू नो, हेल्दी। जी। अरे आंसू आ गए आपको। मेरे ख्याल से मैं मामा विल बी सो प्राउड ऑफ यू। मैं शायद इस अगले रमजान न्यू क्वेटा होटल खोल लूंगा अपना। पर होटल से रहूंगा। चलें। ओह ओफ वाह 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 वेरी नाइस क्लैपिंग। थैंक यू। कैसा लगा पराठा जो मैंने बनाया? आपने देखा है? हमने बनाया है। नहीं मैंने बनाया। मैंने अच्छा तुम एक पराठा खाओ, मैं जाके एक पराठा साइमा को देकर। मिस्टर क्या खाना तैयार है? जी बिल्कुल तैयार है।